सलामुअलैकुम। आज ब्रोज़े हफ्ता 5 जून 2021 है, सुबह के 8:20 हो चुके हैं। आज हमारा इरादा है अलमिदा, एक फॉरेस्ट टाइप है, वहाँ पे हमने हाइक करने जाना है। हम गालबन तकरीबन 18 से 20 लोग हैं। IMC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये ट्रिप अरेंज की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा 9:45 का टाइम है, हमने उस्कुदार मेट्रो स्टेशन पे इकट्ठे होना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह टाइम तक पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ तक। आपको आज का टूर करवाता हूँ कि आज कैसे कैसे हमारी तकरीबन 14 किलोमीटर की ये हाइक है, और एलिवेशन सिर्फ 400 मीटर है, एलिवेशन ज़्यादा नहीं है। ये सुन के ज़रा मुझे हौसला हुआ, क्योंकि चलने में मुझे कोई मसला नहीं है। जहाँ एलिवेशन आ जाती है तो वो फिर चलाती है सही करके, पता चलता है बंदा चला। अस्सलामुअलैकुम। ये वो मरमराए का स्टेशन है जहाँ पे मीटिंग पॉइंट डिसाइड हुआ था। तो अभी 9:26 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम जो डिसाइड हुआ था वो 9:45 का था। तो ये साथ मस्जिद है, मैं तो मस्जिद में जा रहा हूँ देखने मस्जिद कैसी है, क्या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर बाकियों से मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। ये मस्जिद है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ इसका, वज़ू की जगह है। माशाल्लाह प्यारी बनी हुई और पुरानी लग रही है मस्जिद। मस्जिद पे माशाल्लाह इनकी सारी प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं मस्जिद। किस किस के दौर में मस्जिद तमीर हुई है, या इमामों का लिखा होगा कि कौन कौन इमाम रह चुके इधर। पुरानी जितनी भी मस्जिद हैं उसका पता इस चीज़ से चलता है कि पुरानी है। अगर ना भी लिखा हो ना, एक तो उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, अगर उसको रेनोवेशन की ज़रूरत हो भी तो वो चेंज नहीं करते स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर रहने देते हैं। और जितनी भी तकरीबन मैंने अब तक पुरानी मस्जिद जितनी भी देखी है, उनके साथ ही कोई कब्रिस्तान लाजमी होता है। साबिक फ्री गाजी फातेह, 1318 हिजरी में इसकी वफ़ात हुई है। ये जो ये कब्र है, अल्लाह सबकी मगफिरत करे, उनको ज़रा जात बुलंद करे, और हमें भी सही तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कौन कौन, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कौन कौन मेन लोग हैं जो यहाँ पे मदफून हैं। अस्सलामुअलैकुम। हमने जब अभी अभी हाइकिंग स्टार्ट किया, अलमिदा जा रहे हैं, ये मेरे साथ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये मेरे साथ अफगान भाई हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, आप अपना तारुफ करवाएं। आप गन्ने है पठान पठान हिंग को पश्तो उर्दू हिंदी सलामुअलैकुम। ये वैसे एक्चुअली अरबी हैं, लेकिन इनको उर्दू भी आती है, इनको तुर्की भी थोड़ी थोड़ी आती है, और उर्दू भी काफ़ी आती है। तो काफ़ी अल्फाज हैं, और ये लोगों को पजल करते हैं कह के कि मैं पठान हूँ। ये हमारा ग्रुप है। इधर अस्तबल भी हैं पीछे, और यहाँ पे गाय रखी हुई है उन्होंने। सब्जा देखते ही दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो इसे दिल पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल बाग बाग हो जाता है, यानी मींस माय हार्ट इज़ वेरी गुड, फीलिंग वेरी गुड नाउ। इट्स इन उर्दू वी यूज अ फ्रेज दिल बाग बाग होना। व्हाट इज बाग अगेन? बाग गार्डन। ओह लाइक इन, ओके सो टर्किश गार्डन फ्रॉम यू गाइस, ओके फारसी। मज़े आ रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ के आया हूँ अभी, और ऊपर को जा रहा है, पहाड़ है और कच्चा रास्ता, उसी पे हम चली जा रहे हैं ऊपर को। मेरे आगे सिर्फ दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, और पीछे से पूरी जनता आ रही है। अभी थोड़ा सीधा हो गया रास्ता, पता नहीं अब आगे से कब ऊपर को जाएगा। ऐसे रास्ता फिर नीचे जा रहा है। सब आपस में बातें कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आपसे बातें कर लूँ, आवाज़ मेरे ख्याल से सही होगी। प्योर जंगल है भाई, कच्चा रास्ता है, पीछे आप देख रहे होंगे। ये मेरे साथ ज़्यादातर अरबी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, बाकी एक है उज़्बेकिस्तान से, बाकी सारे अरब ममालिक से हैं। तो एक है उनको जो अभी मैंने आपसे, आपको जिनसे मिलवाया था, वो
भी अरबी हैं, अमेरिका में भी रह चुके हैं, इसलिए उनका इंग्लिश का अमेरिकन एक्सेंट है, और उर्दू भी काफ़ी जानते हैं, उर्दू देसी लोगों के साथ रह चुके हैं पहले, तो उर्दू के काफ़ी लफ्ज़ वो जानते हैं, काफ़ी जुमले उनको आते हैं, यानी जो बेसिक्स हम डेली रूटीन में बात करते हैं उनमें ज़्यादातर उनको आते हैं। ये व्यू चल रहा है, बादल भी बड़े मज़े के हैं, धूप कड़ाके की है यहाँ पे। इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप कैप साथ लेके आएँ, लेकिन मैं नहीं लेके आया क्योंकि मुझे एक तो आदत नहीं है कैप पहनने की, इसलिए मैंने कहा क्या करनी है कैप, मैं लेके नहीं आया। अभी हमने 5 मिनट की ब्रेक लिया यहाँ छाँव में, उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। माई चाचा इज विद मी एंड ही इज लेटिंग एवरीवन एंजॉय। ऑलराइट, नो आई एम ओल्ड एंड टायर्ड, आई एम नाना एंड नानी, नाना नानी एंड दादा दादी, दादा दादी ऑन द गाइस साइड। देख के चलो, सो वी हैव हिच हाइकर्स, two hitchhikers. More hitchhikers with us. I wish your hitchhikers a car would pick us up. You haven't hitchhiked? I don't think, maybe. I have done. Only in Hajj. I have done a lot. Only in Hajj. Even I have done in Istanbul. Hitchhike? I hitchhike on bike, I hitchhike on truck, yeah. I hitchhike on car. In America, you'll get killed. A murderer will pick you up and dump your body somewhere. Oh, you want a ride? Hop on it, let's go. But in Pakistan, people usually give rides to strangers. No, I know, mashallah, I know. No, just not the rickshaw. Even if someone going to on bike. So any like, how do you say, gadi? Gadi? Yeah, gadi. Any gadi you can find the... For sure there are some who don't, but there are a lot who give you free rides and... That's good, there's trust. Even here, there's still trust. Mm-hmm. 12 baj chuke hain aur hum chal rahe hain. पीछे भी लोग आ रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, ये चाचा जी मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद फिर से हम एनर्जी अपनी बहाल करके चल पड़े हैं। आपका नाम क्या है, क्या हाल है? क्या हाल है? You are mixing something. Yeah, I just say what is your name. Yeah. रास्ते पे जाने लगे ऊपर को. They say it's not Nazli, right? ये लास्ट हमारी हाइट है, उसके बाद हमने नीचे की तरफ जाना है. I'm all on the hood. ऊपर को जा रहे हैं. ये मेरे साथ तुर्किश है, आई एम सेइंग ही इज तुर्किश। Arkadaşlar İstanbul çok güzel. Hepinizi davet ediyoruz. Gelin buyurun. Ye keh rahe İstanbul bahut pyara. İstanbul is very beautiful, right? Yes. And I don't know what you say after that. Encouraging each other, and I saw people going up the hill. They're doing tasbih, you know, a lot on the way up and pound the way down. So it's the best hike you ever have. अब पौने दो हो गए हैं, फिर हमने रेस्ट किया तकरीबन एक घंटा, नमाज पढ़ी है साथ। पहले हम सिर्फ चढ़ते जा रहे थे, अब हम पड़ी से ऐसे उतरना, अब हम उतर रहे हैं। नज़ले, नज़ले, Turkish awesome, नज़ले, नज़ले। In Urdu, it's also nazla. In ancient Urdu, it's nazla, but in Pakka Urdu. In now Pakka Urdu, it's utarna. Utarna. Utarna means otur, going down. Utarna. In utur. Turkish, otur means sit down. Ah, yeah. Sit. Have a seat. Okay. Urdu, it means baitha. So, ab hum utar rahe hain. Thank you.
साढ़े तीन हो गए इस वक्त, आईफोन की मेमोरी हो गई है फुल, अभी एंड्रॉयड पे बना रहा हूँ, रिजल्ट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अभी बस ये वापस जा रहे हैं हम, आधे घंटे में हम एक विलेज पहुँचेंगे, वहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के उसको दार से फिर आके घर चला जाऊँगा।